सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस चैनल मौर्य गुरु एकेडमी पर। दोस्तों जितने भी मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं बीए बीएससी बीकॉम के जो ऑन स्पॉट एडमिशन के लिए बार बार इंतजार कर रहे हैं, बार बार सवाल कर रहे हैं कि सर ऑन स्पॉट एडमिशन कब से जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, और इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सवाल कर रहे हैं कि सर ऑन स्पॉट एडमिशन के लिए क्या फीस होगा, तो चलिए इस विषय में पूरी जानकारी जान लेते हैं। इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू यूजर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यानी जेपी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी नया नोटिस जारी होगा तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहला सवाल कि ऑन स्पॉट एडमिशन कब से होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी 2 से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके थ्रू आपको बताया था कि फर्स्ट वीक में आप लोगों का, यानी नवंबर के फर्स्ट वीक में ऑन स्पॉट एडमिशन आप लोगों की जारी होने जा रहा है। मतलब अभी तक उसका तारीख का कोई डेट जारी नहीं हुआ था, लेकिन अभी अभी अपडेट आया है मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप लोगों का कल छोड़ के परसों, जी हाँ दोस्तों परसों आप लोगों का ऑन स्पॉट एडमिशन जारी करने जा रहा है। ये बड़ी इन्फॉर्मेशन है सभी स्टूडेंट के लिए, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को भी दबा दीजिएगा। बात यहाँ है दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको बता दिया जाए कि आप लोगों का ग्रेजुएशन कोर्स है जो मैं बीए बीएससी बीकॉम पार्ट वन में एडमिशन लेने के लिए आवेदन किया था, लेकिन एमयू द्वारा जारी की गई पहली दूसरी और तीसरी मेरिट लिस्ट में आपको कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं किया गया है। तो अब आप अपने पसंदीदा कॉलेज में डिग्री ग्रेजुएशन कोर्स में ऑन स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को यह बड़ी इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो मेरे पास मैसेज आया है मगध यूनिवर्सिटी का, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुन लीजिएगा। दूसरी बात, आप लोगों को बता दिया जाए कि ऑन स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं। आवेदन करना होगा, अगर आपके द्वारा चुने गए कॉलेज में सीट उपलब्ध होगी तो आप स्पॉट राउंड के जरिए एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों के लिए। दूसरी बात, आप लोगों का जो आप लोग बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर इसका फीस क्या होगा, आपको बता दिया जाए कि फीस तक का अभी कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है कि कितना फीस लगेगा। ठीक है, ऑन स्पॉट एडमिशन में कितना फीस लगेगा, जैसे ही कोई इसका डेट, मतलब फीस का इन्फॉर्मेशन जैसे ही अपडेट किया जाएगा आप लोगों को, वैसे ही तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मतलब तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। आप जितने भी मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं एक एक करके कमेंट में अपना कमेंट कर दीजिए, मतलब नाइस वीडियो ऐसे कुछ लिख के कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों का जैसे ही कोई अपडेट आएगा वैसे ही मैं आपको मैसेज भी कर दूंगा और आप लोगों को वीडियो थ्रू इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा। तो चलिए और भी जानकारी ले लेते हैं। मगध यूनिवर्सिटी बहुत जल्द ग्रेजुएशन जैसे बीए बीएससी बीकॉम कोर्सेज में ऑन स्पॉट जो ओपन मेरिट राउंड एडमिशन 2020 के लिए अधिसूचना जारी करेगा। जैसे कि आप लोगों को बता दिया जाए कि परसों आप लोगों का यह सूचना जारी कर दिया गया है। ठीक है, सभी स्टूडेंट के लिए। और आपको बता दिया जाए कि जितने भी उम्मीदवार जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड मेरिट की सूची 2020 में कोई कॉलेज आवंटित नहीं किए हैं, वे स्पॉट राउंड एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि एडमिशन के 3 राउंड के बाद कोई भी सीट उपलब्ध होगी तो वह स्पॉट राउंड पर उस सीट पर प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी इन्फॉर्मेशन है। थोड़ा सा यार लाइन ज्यादा होता है तो थोड़ा सा बोलने में भी, मतलब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कट कट करके बताते हैं आपको, लेकिन हमारे इस चैनल पर कोई कट करके आपको नहीं बताया जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी पूरा फेस टू फेस होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातें। आप लोगों को ऑन स्पॉट एडमिशन मतलब परसों जारी हो रहा है। ठीक है, जितने भी छात्र हैं सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा, सभी लोगों को बता दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सभी द्वारा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी लोगों को मालूम चल जाएगा। और आप लोगों को बता दिया जाए कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी होने की जो तिथि है, जैसे कि आप लोगों का ऑन स्पॉट एडमिशन का जो मेरिट लिस्ट जारी होने की तिथि, अभी तक इसका कोई मतलब अपडेट नहीं आया है, मतलब अपडेट जारी नहीं किया गया है, लेकिन आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। इसका मतलब ऑफिशियल साइट जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप लोगों को लिंक, जो ऑफिशियल लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, यानी उसके माध्यम से आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए आप लोगों को बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन करना कैसे है, ये भी जानकारी आपको दे देता हूं। परसों जैसे ही आप लोगों का जारी किया जाएगा वैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे इसके होम पेज पर यूजी एडमिशन फॉर्म आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, यूजी एडमिशन फॉर्म का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे उस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप वहां से आपको अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड एडमिशन का लिंक दिखाई देगा। ठीक है, मैं बारी बारी करके एक एक करके बता रहा हूं। सबसे पहले
उसके बाद आप लोगों का अप्लाई फॉर स्पॉट राउंड एडमिशन का लिंक दिखाई देगा, उसके बाद क्लिक कर लीजिएगा। उस पर क्लिक जैसे करिएगा आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसे अच्छे से मतलब आप लोगों को फिल करना है, भरना है, ठीक है, भर लीजिएगा। अगर आपका जैसे परसों जारी होगा मैं आपको भर के भी दिखा दूंगा कैसे कैसे क्या क्या आपको भरना है बढ़िया से अच्छी तरह, ठीक है, क्योंकि हमारे इस चैनल पे अच्छी तरह आपको कंप्लीट पूरी जानकारी दी जाएगी। दूसरी बात, आप लोगों को भरना है, उसके बाद भरने के बाद अगर जो स्टूडेंट अच्छी तरह जानते हैं भरना तो अच्छी तरह अपने से ही भर लीजिएगा, कोई बात नहीं। फिर आपको बता देता हूँ अंत में फॉर्म को चेक कर लीजिएगा, जब आप सारा मतलब जब आप ऑनलाइन आवेदन सारा मतलब फिल कर लीजिएगा तो आप अच्छी तरह एक बार चेक कर लीजिएगा आपका कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, गलती तो नहीं है। तो आप अच्छी तरह चेक करने के बाद उसके बाद लास्ट में सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, नीचे सबमिट का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म आपका अपने कॉलेज ले जाना होगा, ठीक है। जैसे क्लिक मतलब सबमिट करेंगे आपको एक मतलब फॉर्म रिसिप्ट देख मतलब मिलेगा, जो रिसिप्ट आप लोगों को सीधा अपने कॉलेज में ले जाना है। कॉलेज में ले जाने के बाद वहां आपको फॉर्म का फीस जमा करना होगा और अपना मतलब वो डॉक्यूमेंट भी जमा कर देना, ठीक है, जो रिसीविंग है। तो इस तरह आप लोगों का मतलब जैसे कि फीस के बारे में आपको बताया कि अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, जैसे ही आप अपडेट आएगा वैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। पर वहां पर ले जाएंगे कॉलेज में तो वहां पर भी आपको पता लग जाएगा कि क्या फीस है उनका, ठीक है। तो यार फीस तो ऐसे मतलब अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फीस वहां भी आपको कंफर्म हो जाएगा और हमारे जरिए भी आपको मिल जाएगा अपडेट, पर आपको इंतजार करना होगा कल तक। तो जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज इंतजार करिए तब तक, ठीक है। एडमिशन के लिए आप लोगों को बता दिया जाए कि इसी तरह आपको अच्छी तरह करना है फील, और आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो मगध यूनिवर्सिटी के तहत, किसी भी तरह का कोई भी नया नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हर तरह के क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि आपका जितना भी क्वेश्चन है सब कुछ पूछ लीजिए। मैं यही कहूंगा क्योंकि बहुत से यूट्यूबर कोई भी आपको ऐसा नहीं कहेगा कि आपको जो भी क्वेश्चन है पूछिए हमसे, आप हमसे सवाल करिए, लेकिन मैं कहता हूँ आपको जितने भी स्टूडेंट हैं सारे क्वेश्चन करिए, सवाल करिए, चाहे वो किसी भी सेशन के हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने हर सवाल का जवाब मतलब इस चैनल पे आप हर सवाल का जवाब पाइए, ठीक है। जो भी आप सवाल करेंगे आपको बारी बारी करके एक एक करके आपको जवाब दे दिया जाएगा। सो गाइज धन्यवाद, वीडियो आपको यार अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय वंदे मातरम।